आज हम लोग देखेंगे झूठ नंबर 9. लेट्स सी व्हाट इज द लाइन नंबर 9. योर लाइन नंबर 9 इज दैट एवरीबडी हु क्लियर्स द एग्जामिनेशन इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट एंड एवरीबडी हु डज नॉट क्लियर द एग्जाम इज अ नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट. ये पूरी धारणा एक बहुत ही बड़ी फैलेसी यानी कि एक गलत कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ट है और वो गलत कॉन्सेप्ट है लोगों को जज करना उनके रिजल्ट के द्वारा. देर आर कैंडिडेट्स जो कि सेलेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन डिजर्व करते थे. उनके एफर्ट्स, उनका टैलेंट, बाकी सारी चीज़ें लगभग उनके बराबर थी या उनसे ज़्यादा भी थी कुछ केसेस में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बट वो लोग नहीं कर पाए क्लियर. दैट डज नॉट मीन दैट देवर नॉट डिजर्विंग. मे बी देवर नॉट एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, बट वॉट एवर बी द केस, एटलीस्ट नोबडी कैन बी जज्ड. देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूंगी कि जितने लोग इंटरव्यू देते हैं, जैसे इस साल 1994 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, मैं कहूंगी कि सब लोग जो हैं इक्वली नॉलेजेबल रहते हैं. बस थोड़ा सा 19-20 का मैं कहूंगी फ़र्क होता है, क्योंकि जो कोई भी वहाँ पहुँचता है उसने बहुत काफ़ी पढ़ाई की होती है, काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और किए होते हैं तब वो पहुँचते हैं. ये बात जानना ज़रूरी क्यों है, किस लिए इस बात का मेंशन यहाँ पर है? जब आप लोग तैयारी करना चालू कर रहे हैं उस टाइम पर सिलेक्शन नहीं होने का कारण क्या है? उस टाइम पर सिलेक्शन नहीं वाली बात करने का भी क्या मतलब है? इसका महत्व ये है दैट लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हैव गॉन इनटू डिप्रेशन. इस बारे में दो मिनट में बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए, 10 लाख लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख 4 लाख के आसपास अपीयर होते हैं, कम से कम 10,000-5,000 तो सीरियस कैंडिडेट होंगे. इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे उसको समझा जा सकता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स कभी बाहर आ जाते हैं, कभी नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स चले जाते हैं. बहरहाल वो एक सेपरेट वीडियो के लिए, यहाँ पर हम लोग सबसे बड़े झूठ की बात कर रहे हैं. यहाँ ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतने लोग डिप्रेशन में गए हैं, देर आर फ्यू पीपल हु हैव कमिटेड सुसाइड. कई लोगों को डर लगता है, कई लोग आईएएस की तैयारी करना नहीं चालू कर पाते. पता है क्यों? इस कारण से कि वो जज नहीं होना चाहते लोगों द्वारा, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट देमसेल्व्स टू बी जज्ड एज अ फेलियर और नॉन डिजर्विंग इफ दे डोंट क्लियर. हो सकता है आपको भी डर लगता हो, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल. डर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. अगर आप डर रहे हो तो एकदम नॉर्मल है, डर सकते हो, उस डर का सामना करिए, उसको उसके ऊपर बढ़ने की कोशिश करिए, पर लेट नोबडी डाउट यू. कोई भी अगर आपको डाउट करता है तो सही नहीं है, आपका मोटिवेशन नीचे गिरा था, सही नहीं है. आप किसी को अलाउ ही मत करिए. एग्जामिनेशन, इट्स अ ह्यूज एग्जामिनेशन, अ ग्रेट अप्लॉज फॉर पीपल हु क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. There are candidates who are deserving but unfortunately could not clear the examination. डर आपको लग सकता है लेकिन वो डर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी को भी अगली बार आपको डाउट मत करने दीजिए. और यदि आपसे कोई कहता है कि person who has cleared the examination is deserving and not cleared the examination is not deserving, you know what to say them, go to hell.